नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए काफ़ी अच्छे डॉग्स लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सभी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने डॉग की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। फ्रेंड, मेरे पास जितने भी डॉग्स आते हैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे जाके हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉग्स देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, या फिर आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एम स्टफ़ के पपीज़ है, अमेरिकन स्टफर शाइन टेरियर भी इसे कहा जाता है। अमेरिका की ये ब्रीड है। एंड पपीज़ बहुत ही अच्छे हैं देखने में, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हो पपीज़ की क्वालिटी। लोकेशन इनकी उड़ीसा है, वहाँ पर ये पपीज़ सारे अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, अमेरिका की ये ब्रीड है। अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के एम स्टफ़ के पपीज़ चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इस ब्रीड के बारे में पता नहीं है तो पहले आप गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए इस ब्रीड के बारे में। ये पिटबुल की तरह देखने में होती है, जैसे कि ऑलमोस्ट पिटबुल होता है देखने में, बट ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनका टेम्परामेंट पिटबुल जैसा नहीं होता है, पिटबुल थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। बट ये फैमिली बहुत अच्छे फैमिली डॉग भी होते हैं। और आप देख सकते हैं कितने एक्टिव पपीज़ है जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। क्वालिटी आपके सामने है, लोकेशन इनकी उड़ीसा है, वहाँ पर ये सारे पपीज़ अवेलेबल है। बात करते हैं इनके प्राइस की। जो ऑनर ने प्राइस रखा है फ्रेंड एम स्टफ के पपीज़ का, वो रखा है 22,000। 22,000 की डिमांड की है, बाकी आप अपने हिसाब से नेगोशिएशन कर सकते हो अगर आप नेगोशिएशन करना चाहो। फ्रेंड, यूनिक ब्रीड है, आसानी से नहीं मिलते। अगर आपको यूनिक ब्रीड चाहिए, ऐसी ब्रीड चाहिए जो सिर्फ आपके पास हो, आसानी से किसी के पास ना मिले, तो आप एम स्टफ के पपीज़ को पाल सकते हो। आसानी से नहीं मिलती है, काफ़ी अच्छे होते हैं देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। जो इनका बॉडी का कलर होता है ना फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। ये समझ लीजिए कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। बाकी आप इनके बारे में गूगल कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इनके बारे में। और फ्रेंड्स, आपको मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप अपने डॉग की कोई डिलीवरी करवाते हैं तो ऑनर से पूरी डिटेल ले लें, फिर ही आप डिलीवरी करवाएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, सेम ओनर के पास है। और फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले आपसे सुजेस्ट करूँगा फ्रेंड, ये मीटअप का डॉग फूड है। अगर आप अपने डॉग को बेस्ट डॉग फूड देना चाहते हैं तो ये मीटअप का डॉग फूड दे सकते हैं फ्रेंड। कस्टमर रिव्यूज़ के बहुत अच्छे हैं, बाय वन गेट वन फ्री का इसमें ऑफर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट नंबर पर है हार्ले क्विन ग्रेट डेन के पपीज़ है। इनके भी ऑनर सेम है, सेम ऑनर के पास ये पपीज़ अवेलेबल है। और हार्ले क्विन कलर है और थोड़ा प्राइस इनका कॉस्टली है। ग्रेट डेन के पपीज़ के हिसाब से थोड़ा प्राइस कॉस्टली है, बट हार्ले क्विन कलर है। लोकेशन इनकी भी उड़ीसा है, ये पपीज़ उड़ीसा में अवेलेबल है। बाकी मैंने आपको क्वालिटी दिखा दी है, इस क्वालिटी के पपीज़ है। बात करते हैं इनके प्राइस की। जो ऑनर ने प्राइस रखा है 27,000 की डिमांड की है मेल पपी के लिए। बाकी आप फीमेल के लिए बात कर सकते हो, फीमेल शायद अवेलेबल नहीं है। ऑनर ने सिर्फ मुझे मेल पपीज़ का प्राइस बताया है, एम स्टफ़ में भी और ग्रेट डेन में भी। यहाँ आपको क्वालिटी का आइडिया दिख रहा होगा कि किस क्वालिटी के बच्चे हैं। आप पॉज वगैरह, टेल वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। आपको मदर फादर भी दिखा देंगे ऑनर, और मदर फादर की मेटिंग की फ़ोटो वीडियो भी वो प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको ये पपीज़ चाहिए। वैसे क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी में कोई वो नहीं है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस क्वालिटी के बच्चे आपको ऑनर ने कहा है बहुत अच्छी लाइन से बच्चे हैं, आसानी से नहीं मिलते। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, आपको मैं नेक्स्ट नंबर पर ले चलता हूँ। फिर ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, ये एक मेल है 8 मंथ ओल्ड। अगर आपको ब्लैक जर्मन शेफर्ड चाहिए गार्डिंग के पर्पज़ से तो ऑनर को आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप देख लीजिए क्वालिटी कैसी है मेल की, ये वो मेल है जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। फिर ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, बाकी एकदम प्योर क्वालिटी है,
प्राइस की जो डिमांड की है ना वो सिर्फ 9,000 रुपये की डिमांड की है। मेरे हिसाब से ब्लैक जर्मन शेफर्ड के लिए 9,000 सही है। वैक्सीनेशन वगैरह इसके सब कंप्लीट है। अगर आप वाइट जर्मन शेफर्ड का प्राइस पता करोगे तो लगभग आपको 15 से 20 के बीच में मिलेगा नॉर्मल कलर का ब्लैक जर्मन शेफर्ड। ठीक है, लॉन्ग कोट में तो नहीं है, बट ये है कि ब्लैक जर्मन शेफर्ड है। आप ब्लैक जर्मन शेफर्ड का प्राइस पता कर सकते हो, काफ़ी हाई आते हैं, प्राइस थोड़ा हाई है, बट इसका प्राइस तो बहुत कम है, सिर्फ 9,000 रुपये की डिमांड की है। और फिर सेम ओनर के पास कैट भी है। आज की वीडियो में आपके लिए पर्शियन कैट भी लेके आया हूँ। ये पर्शियन कैट है, अगर आप में से कोई भी शौक रखता है पर्शियन कैट का, फिर कैट है थोड़ी, देख सकते हैं आप, लॉन्ग कोट में है, क्वालिटी अच्छी है अगर आपको। और फ्रेंड्स, मुझे कैट के बारे में इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट आपको सिर्फ अगर कैट लेनी हो किसी को भी तो आप ऑनर से कांटेक्ट कर सकते हो। और लोकेशन इनकी उड़ीसा ही है और वहाँ पर ही अवेलेबल है ये कैट। बाकी मैंने आपको क्वालिटी दिखा दी है, इस क्वालिटी की कैट है। बाकी आप ऑनर से बात कर सकते हो प्राइस के बारे में, जो भी है इन कैट के बारे में। ऑनर ने मुझे कैट का प्राइस नहीं बताया, बट ये है कि आप ऑनर से कांटेक्ट कर सकते हो जो भी आपको कैट्स के बारे में डिटेल चाहिए। उड़ीसा इनकी लोकेशन है, वहाँ पर ये कैट्स अवेलेबल है। और फिर नेक्स्ट नंबर पर है हस्की, 50 डेज हस्की है। और फ्रेंड, इस हस्की का जो प्राइस है ना वो सिर्फ आपको 20,000 में मिल रहा है। फ्रेंड, 50 डेज हस्की है और सिर्फ हस्की का प्राइस आपको 20,000 में मिल रहा है। अभी लोकेशन देखिए, कर्नाटका मैसूर है, उसके हिसाब से तो काफ़ी जेन्युइन है। आप देख भी सकते हैं आइज़ भी इसकी ब्लू है, ब्लू आइज़ में है और लोकेशन कर्नाटका मैसूर है। और सिर्फ 20,000 मिल रहा है आपको हस्की, हस्की मिल रहा है सिर्फ 20,000 में। फ्रेंड, अगर आप ब्लू आइज़ का प्राइस पता करोगे तो आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा, सिर्फ 20,000 रुपये की डिमांड की है हस्की के लिए। अगर आप हस्की का प्राइस पता करोगे तो आपको लगभग 35-45 तक मिलेंगे। तो अगर आपको लो बजट में हस्की चाहिए ब्लू आइज़ में तो ऑनर से बात कर सकते हो, सिर्फ 20,000 मांगे। बाकी आप समझदार हो, जो भी आपको सही लगता है, 20,000 में आपको ब्लू आइज हस्की मिल रहा है जो कि काफ़ी जेन्युइन प्राइस है। बाकी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपने डॉग की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करना चाहते हो ना तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप वीडियोस देख सकते हो पपीज़ की, ये आपको सिर्फ 20,000 में मिल रहे हैं। और फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि 20,000 में मिल रहा है तो प्योर क्वालिटी नहीं है, एकदम प्योर है। बाकी मैंने आपको ऑल इन्फॉर्मेशन दे दी है। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे पास जितने भी डॉग्स आते हैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे जाके हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।